हेलो दोस्तों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा छठवीं के ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं। आप मोबाइल की सहायता से कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसके संबंध में आज डिटेल लेकर आया हूं। आइए देखते हैं डिटेल। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के लिए एक फॉर्मेट है स्टडी सर्टिफिकेट। जिस स्कूल में बच्चा आपका भी पढ़ रहा है, वहाँ से इस सर्टिफिकेट में आपको एक साइन करवाना है। सबसे पहले हेडमास्टर का और बच्चे का डिटेल भरना है, एक फ़ोटोग्राफ लगाना है। स्टडी सर्टिफिकेट वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो सामने मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको और क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत है वो मैं बता देता हूँ। इसके साथ ही साथ आप जब भी फॉर्म भरने बैठें ऑनलाइन फॉर्म, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट ये होना चाहिए प्रिंसिपल से साइन किया हुआ। दूसरे नंबर पे एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, ये यहाँ पे आपको स्टिक करना चिपकाना है। तीसरा आपको पेरेंट फादर का सिग्नेचर चाहिए होगा ऑनलाइन सबमिट करने के लिए, खुद का सिग्नेचर चाहिए खुद का, और आपको एड्रेस प्रूफ के लिए एक आधार। इतना पांच डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, फ़ोटो आपके फादर या मदर किसी का सिग्नेचर, खुद का सिग्नेचर और आधार। ये होने के बाद फिर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आप शुरू कर पाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप नवोदय का वेबसाइट ओपन करिए, nawoday.gov.in इस तरह से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं सामने में एडमिशन नोटिफिकेशन। एडमिशन नोटिफिकेशन के बाद प्रॉस्पेक्टस आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। फिर दिए क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास सिक्स, तो आपको इसे आगे सबमिट करना है। उससे पहले ये आप ज़रूर पढ़ लीजिए, इसमें जो प्रॉस्पेक्टस उसमें सभी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। आइए अब हम यहाँ पर टच करते हैं एडमिशन का प्रोसेस। ये नया एक पोर्टल ओपन हो जाता है CBSE ITMS। फ्रेंड्स, इस तरह से नया पोर्टल ओपन हो गया, ये आप देख सकते हैं CBSE ITMS। इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन क्लास सिक्स, ये देख सकते हैं आप क्लिक हियर, ये दिया हुआ है क्लिक हियर फॉर क्लास सिक्स रजिस्ट्रेशन। तो आइए सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करते जाइए। ये देखिए, जब क्लिक हियर को किया तो आपने यहाँ पर एक फॉर्मेट जो अभी दिखाया था मैं आपको, क्लिक हियर टू डाउनलोड, ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड करेंगे तो वो फॉर्मेट आ गया, तो आपको इस फॉर्मेट को जो स्टूडेंट है स्टूडेंट के स्कूल से साइन करवा के लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर से वापस आ जाइए, प्रोसेस क्या है देखते हैं अपन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसको आप सबसे पहले बच्चे का रजिस्ट्रेशन दिया है उसे फिलअप कर लीजिए। ये आप देखिए, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास सिक्स, जब आप देखते जाते हैं तो इसमें मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन दिया है, कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड स्टडी क्लास फिफ्थ, तो नो डाल दीजिए अगर 2022 में, क्योंकि इससे पहले अगर पास किया तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। द कैंडिडेट हैज़ अपियर्ड इन JNVST अर्लियर, नो डाल दीजिए। हैव यू रीड द प्रॉस्पेक्टस, यस डालिए, आपने रीड कर लिया है। वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास फिफ्थ स्टडीज सेम, यस डाल दीजिए। अगर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट रहेगा, जिस बच्चा जिस जहाँ का रेजिडेंस जहाँ पढ़ रहा है वहीं एलिजिबल रहेगा। इज़ द स्टडी सर्टिफिकेट साइन बाई हेड मास्टर, यस डाल दीजिए। वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्राम क्लास फोर्थ एंड एडमिटेड टू फिफ्थ, यस डालिए, बिफोर 31 जुलाई, यस। डू यू हैव आधार, यस डालिए, और आधार नंबर डाल दीजिए। तो इस तरह से आप सभी डालने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है।
सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 6 डिजिट का ओटीपी मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है आधार से वहाँ भेजा जा रहा है, उसको आप यहाँ पर डालिए। आधार के आधार पे आपका जो ओटीपी है उसे डाल के सबमिट बटन प्रेस कर दीजिए। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है। जैसे ही आप अपलोड करते हैं, जैसे ही आप ओटीपी डालते हैं, आधार बेस्ड ओटीपी, इस तरह से आपका फॉर्म ओपन हो जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 2023-24 प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसको आपको पूरा फिलअप करना है। इसमें उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, उस ज़िले का चयन करें जिसमें कक्षा अभ्यर्थी 5 में पढ़ रहा है, 22-23 में करना है। ब्लॉक का चयन करना है, उम्मीदवार का नाम आधार के बेस पे, आधार नंबर के बेस पे उम्मीदवार का नाम ऑटोमेटिक आ गया है, देख सकते हैं आप। मदर्स नेम, फादर्स नेम अपने आप दिया हुआ है ऑटोमेटिक। अभिभावक का नाम वैकल्पिक है। उम्मीदवार का पहचान चिन्ह ये सब, फीमेल, एड्रेस दिया हुआ है, पिन कोड नंबर दिया हुआ है, ऑटोमेटिक के आधार के बेस पे आ गया है। परीक्षा का नाम, एसटीडी कोड, विकलांगता यदि है, ये सभी आपको फिलअप करना है। आधार नंबर, माता पिता का वार्षिक आय, उसके बाद स्टूडेंट्स के स्टडी का डिटेल, क्लास 3 कहाँ से पढ़ा है, 4 कहाँ से पढ़ा, 5 कहाँ से पढ़ा है, कहाँ पढ़ रहा है, अंडरटेकिंग कैंडिडेट और गार्जियन के द्वारा जो अभी भरे थे वो, इसके बाद गार्जियन माता पिता के द्वारा जो शपथ पत्र है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उम्मीदवार के हस्ताक्षर अपलोड करना है, जिसका साइज़ 10 KB से 100 KB होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। उम्मीदवार के फ़ोटो को भी अपलोड करना है, चूज़ फाइल करके अपलोड करना है आपको। हेडमास्टर का सर्टिफिकेट जो मिला है जिसका साइज़ 50 से 300 KB के बीच हो वो अपलोड करना है। और उसके बाद लास्ट में सेव इन प्रीव्यू, इस तरह से आप करके इसको सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। धन्यवाद।